आज पटना में विपक्ष का महाजुटान होने जा रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक होगी। बैठक में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे, लेकिन विपक्ष की बैठक पर बीजेपी ने तंज कसा है। तो ये तस्वीर पटना एयरपोर्ट से, जहां पर राहुल गांधी इस महाजुटान में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। आपको बताया कि पटना में आज विपक्षी दलों का महाजुटान है। इस बैठक में 6 राज्यों के सीएम और 5 राज्यों के पूर्व सीएम शामिल होंगे। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने के लिए यह बैठक बुलाई है, और इस बैठक में शामिल होने के लिए राहुल गांधी भी जो है पटना पहुंच चुके हैं। मैं आपको बताए कि इसमें ममता बैनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, एमके स्टालिन समेत 6 राज्यों के सीएम और अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती समेत 5 राज्यों के पूर्व सीएम शामिल होंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वही बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव और पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सत्ता से हटाने को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने के लिए यह बैठक बुलाई है। इस बैठक से बीआरएस, जेडीएस और वाईएसआर कांग्रेस ने दूरी बना ली है। इस बैठक के लिए आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को भी बुलाया गया था, लेकिन वह पूर्व निर्धारित पारिवारिक कार्यक्रम के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके। फिलहाल ये तस्वीर पटना से है, जहां राहुल गांधी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। आपको बताया कि पटना में विपक्षी दलों का जमावड़ा होने वाला है। वही इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। थोड़ी देर में रांची से पटना के लिए हेमंत सोरेन रवाना होंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के खिलाफ एकजुटता पर मंथन होगा इस महाजुटान में। मैं आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विपक्षी दलों की महाबैठक में शामिल होने पटना पहुंच गए हैं। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे हैं। दोनों विशेष विमान से आए हैं। पटना पहुंचने के बाद खड़गे ने कहा, हम साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। तो ये सीधी तस्वीर पटना से, जहां पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विपक्षी दलों की महाबैठक में शामिल होने पटना पहुंच गए हैं। वहीं साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पटना पहुंच चुके हैं, और दोनों विशेष विमान से पटना पहुंचे हैं। आपको बता दें, खड़गे ने कहा कि हम साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। वह अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता अजय लाल लाइव चैट पर जुड़ रहे हैं। अजय लाल, राहुल गांधी का जो है पटना आगमन हो चुका है, साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए हैं, क्या फिलहाल अपडेट है? देखिए अनुष्का, सबसे बड़ी तस्वीर आज की बैठक का यही है कि राहुल गांधी और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार एक साथ गाड़ी पर बैठकर रांची एयरपोर्ट से बाहर निकले। मैसेज साफ देने की कोशिश की गई। मैं सबसे पहले अपने सहयोगी माध्यम से, मेरे ठीक पीछे
एक बैनर लगा है, उस बैनर की तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा कैमरा को पैन करके दिखाएंगे हमारे सहयोगी। इस बैठक का जो लब्बो लुआब क्या है, विपक्षी एकता की बैठक में आप सभी नेताओं का पावन धरती पर स्वागत है, पाटलिपुत्र की धरती पर, यानी कि पटना नहीं पाटलिपुत्र से जोड़ा गया, इतिहास बताने की कोशिश की गई। और मैसेज, थोड़ा सा मैसेज देने की कोशिश यही है। थोड़ा सा अविनाश जी, थोड़ा सा किनारे हो जाएंगे अविनाश जी, बिल्कुल मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से मैसेज है। ये बैनर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैसेज बैनर क्या कुछ कह रहा है। भाजपा भगाओ, लोकतंत्र बचाओ, इस बैनर में वो सब कुछ लिखा हुआ है जिसके माध्यम से आप समझ सकती हैं कि इस बैठक का मतलब क्या है, मैसेज क्या है। मैसेज एक सूत्री, कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहा यह जाता है कि भाजपा भगाओ अच्छी बात है, लेकिन लाओगे किसको, इसका तो नाम बताओ। फिलहाल ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो पाता है कि नरेंद्र मोदी को हटाने के बाद वो चेहरा क्या होगा। मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में अभी वक्त है, अगले साल अप्रैल के दूसरे सप्ताह में नोटिफिकेशन होना है लोकसभा चुनाव का। तो ये मैसेज फिलहाल यही है कि अभी एक सूत्री जो जिस पर काम हो रहा है, जिस पर बैठक पर नतीजा होगा, कहा जा रहा है कि ऐसी कवायद हो कि लोकसभा चुनाव के दौरान यदि कहीं पर एनडीए का प्रत्याशी हो तो वही एक प्रत्याशी यूपीए का भी हो, ऐसा ना हो कि दो तीन चेहरे हो जाए। कोशिश ये हो रही कि 1-to-1 fight, ये आज की बैठक का सूत्र है नंबर 2, कि इसमें कोशिश ये हो रही है कि जहां पे जिस राज्य में जिस दल की ताकत ज्यादा है वहां पर उसके कैंडिडेट ज्यादा उम्मीदवार के रूप में हो, और 1-to-1 fight करने की कोशिश है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए का प्रत्याशी जहां कहीं भी होगा उसके मुकाबले एक प्रत्याशी होना चाहिए, आज की बैठक का ये दूसरा महत्वपूर्ण एजेंडा है। लेकिन त्याग किसको ज्यादा करना पड़ेगा, कौन महात्यागी होगा, कौन दानवीर कर्ण होगा इस बैठक का, वो सबसे बड़ा अहम होगा। क्योंकि कांग्रेस से ज्यादा त्याग करने की उनसे अनुरोध किया जा रहा कि आप बड़े भाई हैं, बड़ा दल है, राष्ट्रीय स्तर के दल है, तो ज्यादा त्याग करने की कोशिश कांग्रेस का, इसको यूं समझिए जो बहुत ज्यादा दूर नहीं जाए। तो आप बिहार की ही बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 16 सांसद यहां पर हैं, गाड़ियों का काफिला लगातार दंदनाते हुए पूरी तेजी के साथ गर्मी को पछाड़ते हुए, वाम दल के नेताओं की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, झंडे गाड़ियों पर, हसुआ हथौड़ा का साइन ये बताता है कि वाम दल के नेता इस गाड़ी पर सवार हैं। तो दो तीन तरह की अहम बैठक का आज होगा। और सबसे बड़ी बात, इससे पहले भी मैंने कहा कि आज की बैठक में कहा यह जाता है कि जब बड़ा युद्ध होता है, बड़ी लड़ाई होता है, जब दुश्मन बड़ा होता है, तो छोटे छोटे मनभेद को, छोटे छोटे मतभेद को, छोटी छोटी बातों को किनारे किया जाता है। हालांकि कल ही अरविंद केजरीवाल ने एक दिल्ली सरकार की तरफ से एक पत्र जारी किया था, वो पत्र मीडिया में वायरल हो रहा है, उसमें ये कहा गया था कि 23 को, यानी कि आज जो बैठक होनी है, उस पर सबसे पहले इस बात पर चर्चा हो कि केंद्र सरकार ने जो दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश लाया है उसके खिलाफ क्या राजनीति बने। अपनी अपनी शर्तें हो सकती है, क्या अरविंद केजरीवाल को क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि 23 जून को बैठक होने वाली है और 22 जून को संध्या 5 बजे उनके कार्यालय से एक पत्र निकलता है, और इस पत्र में विषय वही होता है कि 23 जून को एक बड़ी बैठक होने वाली है, महाजुटान होने वाला है, लेकिन आप सबसे पहले इस बात पर चर्चा कीजिए कि जो केंद्र की सरकार ने दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश लाया है उसके खिलाफ क्या रणनीति बनाई जाए। अरविंद केजरीवाल की अपनी शर्त है, तो इन छोटी छोटी शर्तों को कैसे किनारे किया जाए, कैसे बात आगे बढ़े, कोई मनभेद ना हो, छोटी छोटी बातों का त्याग हो, इस पर ज्यादा गहन मंथन होगी। और जैसा कि अभी मैंने कहा कि सबसे बड़ी तस्वीर राहुल गांधी के साथ आपके माध्यम से हमारे दर्शक झारखंड की सभा 3 करोड़ जनता देख रही होगी कि सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि राहुल गांधी को अपनी गाड़ी में नीतीश कुमार बिठा कर ले गए, यानी कि जदयू के लिए कांग्रेस का पूरा सम्मान है। और इस तस्वीर में और राज्य के मुख्यमंत्री की भी तस्वीर में दिखाने की कोशिश करो, थोड़ा किनारे हो जाए, थोड़ा किनारे हो जाइए, जैसा पुलिसकर्मी में अनुरोध है, झारखंड के मुख्यमंत्री थोड़ा किनारे हो जाइए भैया, झारखंड के मुख्यमंत्री बिहार हटली वेलकम, यानी कि बिहार आपका दिल से स्वागत करता है, चीफ मिनिस्टर
झारखंड एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM यानी कि हेमंत सोरेन का भी पूरी तरह से उतना ही महत्व है जितना राहुल गांधी का या फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK Stalin का है। तो कोशिश यही होगी कि आज की बैठक में बेशक कोई नतीजा नहीं निकले, बेशक कोई फॉर्मूला ना निकले, लेकिन कोशिश यही होगी कि छोटे छोटे जो मनभेद हैं उसको आप किनारे कीजिए। और बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस को कौन संबोधित करेगा फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन बैठक के बारे में मीडिया को जानकारी दी जाएगी। देश भर से मीडिया के लोग आए हुए हैं, हमने देखा कि आसाम से मीडिया के लोग आए हुए हैं, तो तस्वीर दिखा दीजिए देवाशीष मीडिया कर्मियों की, तमिलनाडु से मीडिया कर्मी आए हुए हैं, आसाम से हमने देखा, झारखंड से तो मैं खुद हूँ, कई अन्य साथी भी झारखंड से आए हैं, बिहार के मीडिया कर्मी है, उसके बाद कर्नाटक से भी लोग आए हैं, पश्चिम बंगाल से भी लोग आए हैं। इधर दूसरी तरफ देखेंगे मीडिया कर्मियों की बड़ी भीड़, बाईं तरफ की तस्वीर भी मीडिया का भी फोकस है कि क्या कुछ, चूंकि मीडिया ये चाहता है कि कुछ लब्बो लुआ बैठक का निकले, कुछ नतीजा निकले ताकि उस पे आगे बात बढ़ सके, ऐसा ना हो कि बैठक हो, चाय पानी हो, भोजन हो और फिर एक और इस बैठक में कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार एक और बैठक की तारीख की घोषणा हो जाए। तो उम्मीद ये होनी चाहिए, उम्मीद ये की जानी चाहिए और राजनीतिक दलों की ये प्रतिबद्धता है, उनका कर्तव्य बनता है कि सरकार यदि भारतीय जनता पार्टी की है केंद्र में तो उसके खिलाफ वो गोलबंदी करे, इसमें कहीं से इफ बट नहीं होना चाहिए। और नीतीश कुमार को बधाई इस बात को लेकर भी दी जानी चाहिए कि तीन तीन तारीखें इसके पहले तय हुई थी और तीनों तारीखें टल गई और आखिरकार 23 जून एक ऐतिहासिक तारीख आज कहा सकता है भारतीय राजनीति के लिए। जब कभी भी 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा होगी, इतिहास जब पन्नों को पलटेगा 2024 लोकसभा चुनाव का, तो आज की तारीख की जरूर चर्चा होगी कि कैसे नीतीश कुमार के प्रयास से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस के सामने बैठी थी, कैसे अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के सामने बैठे थे, कैसे लेफ्ट फ्रंट के बड़े नेता डी राजा, दीपंकर भट्टाचार्य जैसा नेता कांग्रेस के सामने बैठे थे। और ये कहने में कोई हिचक नहीं कि आज से ठीक 2 दिन बाद एक और तारीख आती है, 25 जून की तारीख। इस दिन का भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है, आपातकाल इस देश में लगाया गया था, ये बात की बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप बात करेंगी तो वो 23 जून की जगह पर 25 जून की तारीख को जरूर चर्चा में करेंगे, ये बात की बात है। इसी आगे में प्रेस के लिए ब्रीफिंग की व्यवस्था है, मीडिया कर्मियों को जाने की इजाजत है, उसमें क्या कुछ बातें होंगी देखना होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि 11 बजने में महत 20 मिनट का वक्त बचा है तो थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी, तस्वीरें अंदर से आनी शुरू हो जाएगी। बैठक की शुरुआत कैसे होती है, कौन सबसे पहले नेता बोलते हैं, किस एजेंडे पर बात आगे बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। अनुष्का बहुत बहुत धन्यवाद अजय तमाम जानकारियों के लिए और आगे की अपडेट पर नजर बनाए रखे बैठक को लेकर। आपको बता दें कि महाजुटान जो है वो शुरू होने जा रहा है और अभी से कुछ ही वक्त के बाद जो है विपक्षी दलों का जुटान हो जाएगा और ये बैठक जो शुरू हो जाएगी, 11 बजे से बैठक शुरू होने वाली है। आपको बता दें बीजेपी के खिलाफ ये एकजुटता पर मंथन होगा। वही आपको बताया कि राहुल गांधी भी जो है इस बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंच चुके हैं, उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो है पटना पहुंच गए हैं और वही आपको बताए कि आज 15 विपक्षी दलों की एकजुटता बैठक है, यस, और 11 बजे से जो है बैठक को शुरू हो जाएगी। इसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, स्टालिन समेत 6 राज्यों के सीएम और अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती समेत 5 राज्यों के पूर्व सीएम शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में 2024 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। वही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने के लिए बैठक बुलाई है। मैं आपको बताएं कि झारखंड
झारखंड आपको बताया कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी जो है कुछ ही वक्त के बाद रांची से रवाना होने वाले हैं पटना जाने के लिए। इस पर अधिक जानकारी के लिए रांची एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता दीपक लाइव चैट पे जुड़े हैं। दीपक, फिलहाल क्या अपडेट है सीएम हेमंत सोरेन के पटना जाने को लेकर? जी बिल्कुल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर तमाम विपक्षी पार्टियों का आज एकजुटता का परिचय वहां पे देखने को मिलेगा। तमाम राजनीतिक दलों के जो मुखिया है वो वहां पे पहुंच रहे हैं और उस बैठक में कई तरह के बिंदुओं पे चर्चा होगी और उसमें मुख्य रूप से कई राजनीतिक दलों के जो प्रमुख है वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुँच चुकी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर ही बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से फिर वो पटना के लिए रवाना होंगे। जो जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास से निकल गए हैं और रास्ते में ही है, बस कुछ ही क्षण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहाँ से सीधे पटना के लिए रवाना होंगे। और जिस तरह से आज बैठक हो रही है और बैठक में कई बिंदु पर चर्चा होगी, लेकिन इस बैठक की जो अगुवाई कर रहे हैं खासतौर पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो इतना आसान नहीं था कि तमाम राजनीतिक दलों को एक मंच पे लाना, लेकिन वो कर दिखाया है कि तमाम लगभग 19 राजनीतिक दलों को जो प्रमुख है उन्हें एक मंच पर लेकर के आया है और विपक्षी एकता का जो एकजुटता है वो कहीं ना कहीं आज पटना में देखने को मिलेगा। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा होगी, खासतौर पर एक मजबूत महागठबंधन बनाने की दिशा में पहल होगी और उस बैठक में तमाम राजनीतिक दल के जो प्रमुख जो उस बैठक में शामिल होंगे उन सभी से उनकी मंशा ली जाएगी कि वो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या चिंतन मंथन रखते हैं और वो जब उनका जब मंतव्य लिया जाएगा उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर जो है वो निकलेगा। तो अब बैठक अब थोड़ी देर बाद ही शुरू होने वाली है और उस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचेंगे, तो अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महागठबंधन को लेकर के क्या कुछ विचार रखते हैं उस बैठक में, क्या कुछ मंतव्य इनके द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दिया जाता है, इन तमाम चीजों पर विशेष नजर रहेगी और अब जैसे ही बैठक शुरू होगा उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि क्या कुछ बैठक में निर्णय लिया जा रहा है। लेकिन इतना साफ है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से सभी राजनीतिक दलों की जो तैयारी है वो चल रही है और वैसे में आगामी लोकसभा चुनाव में अगर महागठबंधन मजबूती से अगर चुनाव लड़ता है तो क्या कुछ एजेंडा होगा ताकि वो जनता के बीच जाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है उसे दोबारा वापस ना आ पाए, इसको लेकर के उसे रोकने के लिए ये जो तमाम प्रयास है कवायद है वो हो रही है। तो वैसे में अब देखना होगा कि बैठक में क्या क्या बिंदु पर किन किन बिंदुओं पर चर्चा होती है, लेकिन इतना साफ है कि एक मजबूत महागठबंधन जरूर बनाने की दिशा में ये चर्चा होगी, क्योंकि इससे पहले भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई राज्यों का दौरा भी किए थे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात किए थे। इसके अलावा एनसीपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है शरद पवार उनसे मुलाकात हुई थी, दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई थी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात हुई थी। तो ये एक प्रयास जो है वो नीतीश कुमार उसी दरमियान शुरू कर दिया था कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को किसी भी हालत में वो दोबारा सत्ता पे उन्हें आने नहीं दिया जाएगा, उसको लेकर के ये कहीं ना कहीं प्रयास जो है वो चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि बैठक में क्या क्या चीज़ें उभर कर सामने आती है, क्या महागठबंधन एक मजबूतता के साथ वो चुनाव लड़ती है, लेकिन अभी चूँकि बहुत सारे चीज़ें ऐसी है जो अभी दूरदर्शिता है, चूँकि जिस तरह से मोदी के सामने आखिर फेस कौन होगा ये सवाल हमेशा राजनीतिक गलियारों में उठता है, लेकिन अब उस बैठक पे ही जब बैठक होगी इसके बाद भी कई बैठक होगी और उसके बाद ही ये स्पष्ट होगा कि मोदी के सामने कौन सा चेहरा को कौन सा फेस को खड़ा किया जाएगा। लेकिन इतना साफ है कि जो बैठक आज हो रही है एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और जिसमें तमाम राजनीतिक जो दल है खासतौर पर विपक्षी राजनीतिक दल है वो एक मंच पर नजर आ रहे हैं आएंगे। तो अब सभी राजनीतिक दल के जो प्रमुख है मुखिया है वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहुँच चुके हैं, लेफ्ट के कई नेता है वो पटना पहुँच चुके हैं, राहुल गांधी पहुँच चुके हैं, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ऐसे कई राज्य के जो मुख्यमंत्री है विपक्षी दलों के जो
सरकार जहाँ जहाँ चल रही है वो तमाम लोग वहाँ पहुँचे और हेमंत सोरेन अब से कुछ ही क्षण में रांची एयरपोर्ट पहुँचेंगे और यहाँ से सीधे वो पटना के लिए रवाना होंगे। तो तमाम तरह के जो कयास जो लगाया जा रहा था और कई मतलब बीते वर्ष से ही कि क्या मोदी को शिकस्त देने के लिए तमाम राजनीतिक विपक्षी दल को एक मंच पर आना जरूरी है, तो कहीं कहीं वो कवायद अब देखने को मिल भी रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने तमाम राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाने की जो प्रयास कई महीना पहले ही शुरू की थी और आज जिस तरह से पटना में उनके नेतृत्व में एक महाजुटान जो है वो हो रहा है विपक्षी दलों का, तो यह बहुत बड़ा प्रयास है। अब किन किन एजेंडों पर आज बातचीत होती है और जो लोकसभा चुनाव जो आगामी लोकसभा चुनाव होना है उसको लेकर के क्या कुछ बातें निकल कर आती है, तमाम चीजों पर बैठक जो है वो शुरू होने वाली है, ये समय दिया गया था। और अभी राहुल गांधी पहुंच चुके हैं पटना इस बैठक में शामिल होने के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच चुके हैं। सीएम हेमंत सोरेन को पहुंचने में और कितना वक्त लगेगा एयरपोर्ट? देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास से निकल चुके हैं और किसी भी क्षण इस बिरसा मुंडा एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे और रास्ते में ही है जो जानकारी मिल रहा है, तो अब से उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ ही क्षणों में वो जरूर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से सीधे वो दिल्ली के ये पटना के लिए रवाना होंगे। पटना में जो बैठक है वो एक महत्वपूर्ण बैठक है और उस बैठक में अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ विचार सभी राजनीतिक दलों के जो प्रमुख हैं उनका निकल कर सामने आता है और वही उसी पर सबकी निगाहें बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से कई बिंदु पर चर्चा होगी, खासतौर पर जो ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई निरंतर चल रहा है विपक्षी दलों के नेताओं पर, उस पर खासतौर पर चर्चा होगी। सीट शेयरिंग को लेकर के अभी शायद इस पर ये नहीं हो सकती है चर्चा, वो आने वाले जब बैठक होगी, आने वाले और भी कई बैठकें होगी उसी पे यह स्पष्ट होगा कि किस तरह से तमाम राजनीतिक दलों को जो सीट शेयरिंग है वो होगा। उसके बाद जब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा तभी ये सारे जो फिगर है वो सामने आना शुरू हो जाएगा। लेकिन 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उस दरमियान भी एक मजबूत महागठबंधन बनाने की कवायद हुई थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया कहीं ना कहीं बिखराव भी होता चला गया। यह इसलिए भी कि जो सीट शेयरिंग है वो शायद सभी राजनीतिक दल जो है वो खासतौर पे एकमत नहीं हो पाते हैं और उसका जो है कहीं ना कहीं जो है कि महागठबंधन जो बनता हुआ दिखाई देता है वो कहीं कहीं टूटता हुआ भी दिखाई देता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि 2019 की तरह इस बार जो महागठबंधन के जो बिखराव है वो ना हो, ये जरूर प्रयास आज बैठक में होगी। तमाम विपक्षी पार्टी जब एक मंच पर आए हैं तो ये एक बहुत बड़ा संदेश कहीं ना कहीं वो देश भर में जा रहा है कि तमाम राजनीतिक दल जो विपक्षी दल है वो एक मंच पर आकर के चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। अब वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र की जो बीजेपी सरकार है उसे रोकने के लिए दोबारा सत्ता पर बीजेपी ना आए इसको लेकर ये प्रयासरत है और यह प्रयास अब देखने वाली बात होगी कि जैसे ही जब लोकसभा चुनाव नजदीक आता है क्या वो प्रयास सफल होता है या नहीं होता है। लेकिन एक मजबूत विपक्ष भी कहीं ना कहीं बेहद जरूरी है लोकतंत्र में, तभी सरकार सही तरीके से जो है वो काम हो पाता है। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको लेकर के अगर जनहित के मुद्दे होते हैं वैसे में अगर विपक्षी पार्टी अगर मजबूती के साथ अगर खड़ा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम जो है आम जनता को भुगतना पड़ता है। वैसे में मजबूत विपक्ष भी एक बहुत जरूरी है और आगामी जो लोकसभा चुनाव जो होना है उस वह काफी दिलचस्प होगा अगर तमाम राजनीतिक दल जो विपक्षी राजनीतिक दल है वो एक मंच पे आकर के अगर चुनाव लड़ती है तो फिर परिणाम में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन इतना साफ है कि आज की बैठक में महागठबंधन को जोर देने की बात जरूर होगी। जी, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।